गैप गली इस टाइप की, वहाँ ही पे लेक होगा, वहीं पे जाके आना है। एंड सौ में भी मिल जाता, हम देने के लिए तैयार थे 200 में। इसने अभी मांगा नहीं कुछ, लेकिन इसको हम दे देंगे चाहे हमें लगे या ना लगे। तो वो रहा हमारे लोग, हमने भेजे थे शॉप पे ले, लेकिन वहाँ से उनको मिला नहीं। रास्ता बहुत खतरनाक है, यहाँ तो थार भी नहीं चलेगी, किसी का कमाल है यार। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम जाने वाले हैं पुलवामा, पुलवामा से हम ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलता हूँ पुलवामा के ट्रैक पे, पुलवामा के फॉरेस्ट्स में ऑफ रोडिंग करने के लिए। एंड यहाँ से एक ऐसी जगह है जहाँ से हमने कुछ जूस वूस ले लिया, आधा तो हमने साथ ले ही लिया है। तो अल्ताफ भाई अभी कुछ ले रहे हैं, तो इसके बाद हम जाने वाले हैं अपना ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ रोडिंग का। ये आज का हमारा ट्रैक रूट, जो ऑफ रोडिंग ट्रैक रूट है, ये है ऑफ रोड रूट। और यहाँ से हमें आना है, ये देखिए ये बड़गाम एरिया में पड़ता है। अभी हमारी गाड़ी की हालत भी देख सकते हो भाई। अभी ये दरिया हमें क्रॉस करना है, वहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे। भाई गाड़ी फंस गई यहाँ पे। सो गाइस, अभी ये चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि ट्रैक कुछ ऐसा है एंड यहाँ से गाड़ी अपनी जाएगी। पॉलीथीन और प्लास्टिक यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, ये बहुत ही क्लीन जगह है। तो अभी ये हमारी गाड़ी है जो ऑफ रोड ट्रैक है यहाँ से, तो हम ऊपर जाएंगे, आपको ऊपर भी दिखाएंगे। लेट्स गो। सो गाइस, अगर आपको भी यहाँ पे ट्रैक करने के लिए आना है, मैं अभी आपको आगे वीडियो में बोलूँगा ये कौन सी लोकेशन है। और ये लोकेशन एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर आप देख सकते हो, ये है हमारी थर चुप से बोलेंगे। और ये है कुछ ऐसा, मैं पूरा ऊपर जाना है, इसकी हालत भी देख सकते हो, पूरा मड है, मड कार ये है। अभी कड़ी मेहनत के बाद हम पहुंच गए हैं यहाँ के मीडोज में, एंड इससे ऊपर भी हमें जाना है पूरा, लेकिन यहाँ पे पहुंचते ही कुछ अलग ही लग रहा है। माशाल्लाह, क्या अल्लाह की कितनी कुदरत है आज देखने को मिल रही है फिर से यहाँ पे। पूरा ऑफ रोडिंग का ट्रैक लेके यहाँ पे पहुंच गए हैं। सो गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं शोड़क, कुछ खोरिट नाम करके हैं, यहाँ पे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। ये सबसे बेस्ट प्लेस है कैंपिंग के लिए, यहाँ पे आपको कोई मिलेगा ही नहीं जिसने आज तक यहाँ पे कैंपिंग की हो, क्योंकि यहाँ पे पूरा एरिया जो है क्लीन है, एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको प्लास्टिक मिलेगा एंड बोटल्स पॉलीथीन वगैरह। ये हैं गाड़ी, और यहाँ पे पूरा इसका ट्रैक बना हुआ है, ऑफ रोडिंग ट्रैक जो पूरा यहाँ पे आता है, और यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, बहुत ही अच्छी जगह है। और यहाँ पे हमारी गाड़ी रुक गई है, और यहाँ पे हम चाय वाय पियेंगे, इसके बाद आगे वाला ट्रैक ले लेंगे और ऊपर जाएंगे। ये यह है यहाँ पे डोक्स, एंड वो वैली दिख रही है, वहाँ पे भी ट्रैक रूट है, तो आप वहाँ पे ऑफ रोडिंग करके जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी ये ट्रैक रूट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने के बाद ये वाली जगह पहली ऐसी जगह है जो मैंने लाइफ में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी जगह देखी हूँ,
उम्मीद करता हूँ आज के व्लॉग में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, एंड ऐसा कुछ होने वाला है जो आपने ऑफ रोडिंग कभी देखी नहीं है, वैसा कुछ आज हम इस व्लॉग में दिखाएंगे आपको। क्या नज़ारा है, वाह वाह, वो ओ, 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 ये देखिए बच्चे यहाँ पे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। ओह गाइस, यहाँ पे हमारी गाड़ी का रेस्ट हो गया और हमने भी थोड़ा सा रेस्ट लिया और यहाँ से हम जा रहे हैं आगे के लिए, क्योंकि आगे पूरी पहाड़ी हमें घूमना है, वो भी ऑफ रोडिंग का। यहाँ पे पूरा गाड़ी का ट्रैक बना हुआ है, वहाँ से जाएंगे और थोड़ा आगे चाय वाय भी पियेंगे और आपको दिखाएंगे आज का व्लॉग में हमने कैसे ऑफ रोडिंग की और गाड़ी ने कितना साथ दिया, और उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने चाय का अपना खत्म किया है। ये देखो भाई ने घर से चाय लाई थी और ये हमारी गाड़ी, और यहाँ से आगे हमें जाना है यहाँ के बच्चे। गाड़ी का टायर का कुछ हो गया, हवा निकल रही है, तो ये भाई ने घर से एल्फी लाया। यहाँ पे एल्फी मिलना बहुत बड़ी बात है। ये देखिए यहाँ के लोग, भाई साहब छोटे छोटे बच्चे, ये बहुत ही अच्छा बंदा है, इसने हमें एल्फी ला के दिया, बहुत ही कीमती है, 5 रुपए का एल्फी है यहाँ पे हमें। अगर 100 में भी मिल जाता ना, हम देने के लिए तैयार थे 200 में। इसने अभी मांगा नहीं कुछ, लेकिन इसको हम दे देंगे चाहे हमें लगे या ना लगे। तो वो रहा हमारे लोग, हमने भेजे थे शॉप पे ले, लेकिन वहाँ से उनको मिला नहीं। तो ये है अपनी गाड़ी का टायर फिट हो रहा है अभी, तो यहाँ से हम जाएंगे। ये देखिए प्यारे प्यारे बच्चे अभी यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनको मैं पकड़ूंगा। ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम। रास्ता बहुत खतरनाक है, यहाँ तो हार भी नहीं चलेगी, किसी का कमाल यार। ओ भाई कमाल है इस गाड़ी का, कसम से। गाड़ी का भी कमाल है और भाई जो चला रहा है उसका भी कमाल है। डांस कर रही है भाई। आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। ऑफ रोडिंग कर रहे हैं बड़गाम के एक एरिया में, पता नहीं है नाम जानेंगे, एक जगह से गए थे लेकिन वहाँ भी पूरा रास्ता ख़त्म था, जंगल था, ऑफ रोड ट्रैक नहीं था, तो वापस आए। ऐसा कुछ सीन है, ये दरिया क्रॉस करके हमें जाना है एंड आगे वो वाला ट्रैक लेना है। ऐसा रोड है, कुछ खाने का बंदोबस्त हो गया भाई, भाई ने लाया खाने के लिए कुछ, ये नदी पार करके हम उधर बैठेंगे खाने के लिए। ये रोड ही बवासीर है भाई, ये देखिए भाई रोड बना रहे हैं भाई लोग। बेबी देखो जो देर दी नाल मजदे ना खरस लगी है सके जाकर साग जिसा आई। अभी लंच होने का प्लान हो रहा है और ये देखिए यहाँ पे शुरू हो रहे हैं।
हमारे साथ कुछ ब्लू बॉटल्स थी और वो हमने इधर डाल दी, ये देखिए एक तो गाय भी होगी इसमें डाल हमने, देखो भाई ऐसा है कुछ। सो गाइज हमारी गाड़ी यहाँ तक पहुँच गई, देखिए इसकी गाड़ी की हालत देखो, टायर इनका कलर, यहाँ से पहली बार ऐसी गाड़ी जाती होगी। इसमें आपको अपनी गाड़ी दिखाऊंगा कहाँ से आ रही है भाई, वो है सो गाइज अपनी गाड़ी उधर रखी हमने, क्योंकि यहाँ से कोई रास्ता नहीं है ही नहीं, ना कोई ट्रैक है, और यहाँ ये हम ट्रैक अभी कर रहे हैं। यहाँ से हमें जाना है आगे, जो आपको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे पीक्स, वहाँ हमें जाना है, वहाँ हमें बर्फ़ भी मिलेगा एंड पूरी हाई अल्टीट्यूड पे रेंज है, और इस साइड पे पहली बार जाना है, पता नहीं है ये जगह का नाम क्या है, तो आकिब भाई से पूछा, आकिब भाई जगह का नाम क्या है? हाँ बोल रहा है भाई पता ही नहीं है, अभी इससे बोलेंगे भाई पता नहीं है यार, इनको गुस्सा है हमें क्यों यहाँ पे लाया गया, देखते हैं आगे किसी से बोलेंगे। लेकिन ये तो हमने सुन लिया कि आगे सनसेट पीक है, दैट मीन्स कि कुछ तो आगे होगा ही डेफिनेटली, बहुत बड़ा मीडो है यहाँ से, और उस साइड पे वो ज़ियारत है, जाना तो उसी साइड था लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। अभी हम जाएंगे बर्फ़ के पास, पूरा क्लाउडी एरिया है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वाला वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए आकिब भाई अभी आगे जाते हुए, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी हमने ये बाई जो फुट वाली ट्रैक जो है स्टार्ट किया है, अभी तो ऑलमोस्ट गाड़ियों में हम बैठ के यहाँ तक आए एंड मज़ा तो बहुत है, लेकिन अपना मज़ा जो है ना अब स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ट्रैक करने में जो मज़ा है वो गाड़ी में नहीं है। तो वो रहा पीक, लेट्स गो। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं, हमने देखा कि वहाँ से एक रिवर आ रहा है, पता नहीं है ऊपर लेक है कि नहीं है, तो वहाँ जाएंगे क्योंकि हमें लग रहा है वहाँ ऊपर लेक होगा। तो अभी 4:30 हम जा रहे हैं ऊपर टॉप पे पहुँचने के लिए, कि लेक है वहाँ पे कि नहीं, जो भी लेक है देखेंगे, और वह आगे कोई मिलेगा तो उससे बात करेंगे लेक के बारे में। एंड ऐसा कुछ नज़ारा है, वो है ज़ियारत एंड आसमान बिल्कुल माशाल्लाह अलग ही कुछ दिख रहा है। घर से ना आजकल पूरा फॉगी दिख रहा है, फॉगी मीन्स कि पोल्यूशन हो गई है, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है। एंड इंसान को यहाँ पे ना बहुत कम पैसों में ट्रिप हो जाता है पहाड़ों में, और ये एक ऐसी अनएक्सप्लोर ब्यूटी है बड़गाम साइड की, जो सरायर शरीफ ज़ियारत है यूसमर्ग साइड से, एक ऐसी डेस्टिनेशन जहाँ पर लोग बहुत कम आते हैं। एंड यहाँ एक मैंने लाइफ में पिछले 7 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार ऐसी जगह देख रहा हूँ जहाँ पे कोई कैंपिंग नहीं किया है कोई बंदा, टेंट्स नहीं लगे हैं किसी के, खाली शेफर्स के लगे, बहुत क्लीन जगह है। तो इस वाली जगह पे मैं आपको आगे बोलूँगा इस वाली जगह पे आना चाहिए कि नहीं, आना तो चाहिए, बस मैं आपको लोकेशन इस वीडियो में बताऊँगा, और आगे अगर हमें लेक मिला तो वहाँ पर आपको लेक की डिटेल्स बोलूँगा, और मीडोज़ यहाँ के पहाड़ बहुत खूबसूरत है। एंड जो इसका ट्रैक रूट है बहुत ईजी है, कोई हार्ड नहीं है, मॉडरेट है, तो आगे देखते हैं, डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, छोटे छोटे बोल्डर्स हैं एंड लेट्स सी आगे क्या होगा, बने रहे वीडियो में। सो गाइस आधा घंटा चलने के बाद कुछ ऐसा सीन है, हो रहे पहाड़, हो रहा पीर पंजाल एरिया, रो रही ज़ियारत, पूरा जो एरिया है पीर पंजाल एरिया है देख सकते हो, एंड रास्ता तो है नहीं यहाँ से, बनाते हैं खुद ही। अभी हमें वो बटरस दिख रही ना गैप गली इस टाइप की, वहाँ ही पे लेक होगा, वहीं पे जाके आना है एंड वहाँ थोड़ा एंजॉय करेंगे। और ये देखिए शेफर्ड यहाँ से दिख नहीं रहे, और ये रहे हमारे भाई, चले भाई। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको लेके चलता हूँ एक बड़गाम पखरपुरा के एक साइड में, जहाँ पे हमने आज तक कभी कैंपिंग नहीं किया, और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कम है। अभी मेरे पीछे देख रहे हो ये पूरा क्लाउड्स है, फ्रेश क्लाउड्स है, एंड आगे मेरे जो दिख रहे हैं ना व्यूज़ वो आपको भी मैं दिखाऊंगा। और आज का डे जो है वो खाली ट्रैक था, ट्रैक बहुत हार्ड हुआ, हार्ड भी नहीं हुआ, मेहनत करनी पड़ी, अदरवाइज लोग तो 1-2 दिन में करते हैं, हमने एक ही दिन में करना है। एंड आगे मेरे सामने एक ऐसा व्यू है जो मैं
ऐसे आपको बता ही नहीं सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैं वीडियो के बैक कैमरा से पूरा व्यू दिखाऊंगा। लेट मी शो, कुछ एरिया है पूरा पीर पंजाल एरिया एंड ऐसा कुछ माउंटेन्स हैं यहाँ पे, ऐसे कुछ रिज एरिया बने हैं एंड यह है क्लाउड्स एंड यह है कुछ यहाँ से एरिया पूरा। एंड बोलते हैं ना पहाड़ों पे जब 12,000 फीट के अल्टीट्यूड पे हम पहुँचते हैं तो वहाँ पे हमें ट्री लाइन ख़त्म होती है, एंड यहाँ पे हमें ट्री लाइन नहीं मिल रही है। दैट मीन्स कि 10-12,000 के अल्टीट्यूड पे हैं एंड मेरे दोस्त उधर दिख रहे हैं आपको, एंड आई एम हियर यू कैन सी मी शैडो, ये मेरी छाऊँ आपको दिखेगी। एंड जो मेरे सामने अभी है ना, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ, बहुत अलग है। एंड दिस द ड्रीम कम ट्रू, बोलते हैं ना हर एक हार्डवर्क के बाद एक ऐसा इंसान को व्यू मिलता है, एक ऐसा फल मिलता है इंसान को जो इंसान लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता है। एंड वो रहा वो फल, वो क्या है, वहाँ पे पहाड़ है और पूरा बर्फ़ है भरा हुआ, विल गो देयर वहाँ पे बस, एंड लेक देखेंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे वो। सो गाइज, जो आपको ये दिख रहे हैं ना, ये पिनाकल टाइप ये पहाड़, यह है पीर गली साइड, और पीर गली साइड आती है, ये आती है शायद इकासू एरिया में जी, वहाँ भैया शुपियन साइड में आती है भाई। तो यहाँ ये जो एरिया जहाँ पे हम हैं अभी, ये है पुलवामा का एरिया, एंड ऐसा कुछ सीन है यहाँ से। वहाँ हमें जाना था लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि अभी बज गए 6, तो अभी नेक्स्ट हम फिर से प्लान करेंगे यहाँ आने का, और नेक्स्ट फिर से यहाँ पे ट्रैक करने का कोशिश करेंगे इंशाल्लाह विद इन डेज। नेक्स्ट वीकेंड जो होगा वहाँ पे जाएंगे कैंपिंग के लिए। यहाँ पे हमने नहाया, बात लिया, अच्छा सा चिल वाला बोलते हैं ना आइस बात लिया, डायरेक्ट पीछे से जो आइस पिघल के आती है वो ये दरिया में जाती है और यहाँ पे हमने आइस बात किया। और उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगेगा, एंड बैक अभी हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो में बहुत